मरी में होने वाला सानिया हर लिहाज से अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ दे है। कोई जीरो ऐसा नहीं कि जिसने इस हादसे की शिद्दत को महसूस न किया हो, और पूरी कौम के साथ मैं इस सानिया के मुतसरीन के दुख में बराबर का शरीक हूँ। यह बहुत बड़ा सानिया है और इसकी वजूहात और जिम्मेदारों का तय्यन करने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इस कमेटी ने बड़ी अर्करेजी से सानिया की रिपोर्ट मुरतब की और पसे पर्दा हकायक का जायजा लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताही की निशानदेही की गई, मुतलका हुकाम अपने फराइज और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। कमेटी की सिफारशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत भेज दिया गया और उनको मुअत्तल करने की सिफारिश की गई। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अपने ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को उनकी खिदमात सुपुर्द करने की सिफारिश और उनके खिलाफ मुअत्तल करके इंजबाती कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। एसी मरी को मुअत्तल और उसके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का हुक्म, सीपीओ रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर और उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द और मुअत्तल करने और इंजबाती कार्रवाई का हुक्म, एएसपी मरी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने, मुअत्तल करने और इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इसके अलावा सीटीओ रावलपिंडी, डीएसपी ट्रैफिक, एसई हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे रावलपिंडी और एसडीओ हाईवे मैकेनिकल मरी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स मरी, इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122, डायरेक्टर पीडीएमए पंजाब, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। मैं कौम से सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैं हालात का जायजा लेने के लिए खुद भी वहां गया और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया।